तो हमें जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह जब रिलीज़ हो जाते हैं उसके बाद इनका जो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन है वो दो तरीके से होता है। याद रखिएगा, जो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है और सबसे वाइवा में ज़्यादा पूछने वाला वो ये है कि हमारे पास जो नर्व टर्मिनल है जिसने रिलीज़ किया है किसी भी एपिनेफ्रीन या नॉरएपिनेफ्रीन वगैरह को या डोपामीन को, उसके पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो होती हैं नेट एंड डैट। नॉरएपिनेफ्रीन ट्रांसपोर्टर, नेट एंड डैट डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स। ये जो नेट और डैट है ना, क्या होता है कि जब ये रिलीज़ हो जाते हैं एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, अपना एक्शन वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया, उसके बाद ये ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं इनको री अपटेक कर लेते हैं वापस अपने नर्व टर्मिनल के अंदर। ठीक है जी, जो नेट होंगे नॉरएपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को करते हैं वो, और जो डार्ट है वो डोपामिन को करते हैं। इस तरह से उनका एक्शन हो जाता है टर्मिनेट। ठीक है, ये री अपटेक है। दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि हमारे पास ये साइनैप्स है जो ये एपिनेफ्रीन वगैरह जो रिलीज़ हुए हैं वो यहाँ के बजाय आसपास साइटोप्लाज्म बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफ्यूज़ होकर चले जाएँ, तो यहाँ पर इनका एक्शन ख़त्म हो जाएगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास वही वाली दो चीज़ें, एक तो हमारे पास है जी मोनोमीन ऑक्सीडेज जो अंदर भी प्रेजेंट था इनको ख़त्म करने के लिए, और एक और चीज़ होती है COMT, कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है जी, ये कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज COMT और MEO दोनों मिल मिला के इनके एक्शन को ख़त्म कर देते हैं। तो इन शॉर्ट जो यहाँ सारी किस्सा कहानी चल रही है वो ये, अब मैं इसको इधर समराइज़ करती हूँ, आपको बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो एडिनर्जिक हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, टायरोसिन बाहर से अंदर आता है, कन्वर्ट होता है डोपा में, फिर कन्वर्ट होता है डोपामीन में, वेजिकल्स के अंदर जाता है एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। ठीक है जी, ये हो गया, स्टोर हुआ, रिलीज़ हो गया। तीन ड्रग्स आती हैं सिंथेसिस को रोकने के लिए, आती है मिटायरोसिन, ठीक है जी, मैट आ गया, फिर स्टोरेज को रोकने के लिए आती है रेजरपीन। तो ये हमारे पास रिजर्व हो गया, ठीक है, मैट घर में रिजर्व हो गया। और तीसरी जो हमने बात की है वो ड्रग नहीं है बेसिकली, जो रिलीज़ को रोकता है वो है तो सी गुआनेथिडीन है। ठीक है जी, गुआनेथिडीन, लेकिन नॉट वेरी मच कॉमन। तो ये आ जाती है MRG, इस तरह से मिटायरोसिन, रेजरपीन, गुआनेथिडीन, मेट्रो पे रश था जी से आप कर लें गाला का। ठीक है जी, तो इन तरह से मतलब दीज आर वेरी सिंपल सी ड्रग्स, इनकी वजह से नमोनिक की ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल यू कैन लर्न इट इन दिस वे दैट मेट्रो रश ऑफ गाला। ठीक है जी, मिटायरोसिन, रेजरपीन एंड गुआनेथिडीन। तो ये हमारे पास तीन जो इधर आ जाते हैं इसके ऑपोजिट्स, और उसके बाद इसका टर्मिनेशन ऑफ एक्शन दो तरीके से होता है, या तो अपटेकर जो है वो री अपटेक कर लेते हैं, या फिर ये डिफ्यूज आउट कर जाता है, और MAO मोनोअमीन ऑक्सीडेज सॉरी और कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज COMT ये इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया जी, अब आते हैं इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है को ट्रांसमीटर्स का। एक और चीज़ होती है हमारे पास ना, ये तो हमने बात कर ली मेन ट्रांसमीटर्स की, एड्रीनर्जिक भी और कोलिनर्जिक भी। कुछ ऐसे ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इनके साथ सिंथेसाइज होते हैं, कभी कभार ये होता है कि वो जिन वेजिकल्स में ये स्टोर होते हैं, सपोज इसमें हमारे पास स्टोर है एसिटाइलकोलीन, तो को ट्रांसमीटर्स भी इसी में कुछ स्टोर होंगे, कभी कभार ये होता है कि ये बिल्कुल अलग किसी वेजिकल में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इनका फंक्शन कोई बहुत खास इस तरह का नहीं होता कि अलग से कोई फंक्शन परफॉर्म करें, ज़्यादातर ये नॉर्मल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो हो रही है ना किसी भी मेन वाले हमारे रिसेप्टर ट्रांसमीटर की, उसको इन्हांस करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ ऐसी सिनेप्सिस हैं जहाँ पर ये प्राइमरी ट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करते हैं। को ट्रांसमीटर्स में आती क्या क्या चीज़ें हैं मैं यहाँ पर जॉट डाउन करती हूँ। सबसे पहले ATP, फिर है एनकेफलिन, ठीक है जी, उसके बाद है वेसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड VIP, अच्छा, उसके बाद न्यूरोपेप्टाइड वाई सब्सटेंस पी, इतनी काफ़ी हैं वैसे, न्यूरोटेंसिन, सोमैटोस्टैटिन और बहुत सारी हैं, न्यूरोपेप्टाइड वाई सब्सटेंस पी, तो बहुत आसान सी। ठीक है, ATP ने वेन VIP जगह पर न्यूरॉन एंड सब्सटेंस देखे। ठीक है जी, एक एनकेफलिन इसको आप भूल भुला जाए तो भी खैर है, ATP ने VIP जगह पर न्यूरॉन्स एंड सब्सटेंसेस देखे। ठीक है जी, ये हमारे इस तरह से आप याद कर लेंगे, ATP ने VIP जगह पर न्यूरॉन्स एंड सब्सटेंसेस देखे। तो ATP आ गया, वेजेक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड आ गया, न्यूरॉन से न्यूरोपेप्टाइड वाई आ गया, सब्सटेंस से सब्सटेंस पी आ गया, ये को ट्रांसमीटर्स हैं हमारे। सो दिस इज इट अबाउट द ट्रांसमीटर्स। अब हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स आर एक्सट्रीमली ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहाँ ट्रांसमीटर ने उन्हीं पर जाके एक्ट करना है। रिसेप्टर ना नॉर्मली लोगों को याद नहीं होते, ठीक है जी, सीन कुछ ये होता है कि ज़ाहिर है अल्फ़ा की भी दो टाइप्स हैं,
पहले सबसे तो कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक, फिर कोलिनर्जिक में मजीद मस्क्रेनिक निकोटिनिक आ जाती हैं, फिर एड्रिनर्जिक में अल्फा बीटा आ जाती है, डोपामीन आ जाते हैं और फिर उनकी भी सब टाइप्स आ जाती हैं। फिर हर रिसेप्टर की लोकेशन याद करना और रिसेप्टर क्या फंक्शन कर रहा है, लाइक इस पर ड्रग एक्ट करेगी कि डायलेशन होगी, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, क्या इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, ये सारी बातें याद करना इंतहाई ज़रूरी है। बिकॉज़ आगे सारी की सारी जो हमारी आगे की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो सारा इन्हीं ड्रग्स के इन्हीं रिसेप्टर्स के आगे पीछे घूम रहा होता है। और बाकी सारी चीज़ों में भी आप CNS पढ़ेंगे, आप CVS पढ़ेंगे, ज़ाहिर ड्रग्स ने रिसेप्टर्स भी एक्ट करना है ज़्यादातर, तो वो इन्हीं पे घूमेगा। तो इनका एक्शन आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पर रट्टा होना चाहिए। अगली वीडियो में जब बताऊँगी उसमें मैं आपको निमोनिक बताऊँगी कि किस तरह इनको याद रखना क्या आसान तरीका है, सो यू कैन लर्न देम ईजिली। अभी तक कोई बात नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।